तो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि पान की खेती यहाँ पे किस प्रकार से की जाती है, पान की छटाई वगैरह किस प्रकार से की जाती है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले कभी पान का जो पेड़ है वो नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पान का जो है गाइस, वो बेल की तरह यहाँ पे चलता है और यहाँ पे इसे डंडे के सहारे से यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे चढ़ा जा रहा है। और पान की जो, जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पान है उसे बेल की तरह चलता है, तो इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे डंडे के सहारे से बांधा भी जा रहा है। और इस साइड पे एक और भैया है जिसे आप भी देख सकते हो कि वो भी यहाँ पे पान के जो बेल को है उसे बांध रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ इन्हें चढ़ाया जा रहा है ताकि ये जो है नीचे की तरफ न गिरे, यानी कि ऊपर की तरफ ही ये बढ़ते रहें। इसलिए इन सभी पान के जो बेल है उनको यहाँ पे बांधा जा रहा है। और पत्ते भी आप यहाँ पे साफ साफ इनके देख सकते हो कि पान के पत्ते किस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी जो पान की जो बेल है उन्हें बांध दिया गया है एक साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं पान की जो बेल है। तो जो आप पान खाते हो वही पान के पेड़ या जो बेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दूर दूर तक यहाँ पे खाली सिर्फ पान के बेल ही आप लोगों को देखने पड़ेंगे, यानी कि पान की खेती यहाँ पे की जाती है। जो कि आप पान देख सकते हो काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा पान की छटाई वगैरह किस प्रकार से की जाती है, उसके बंडल वगैरह किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो हमारे इस व्लॉग के साथ आप लोग बने रहिए। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि पान की छटाई यहाँ पे किस प्रकार से की जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक साइज के जो पान है उसे एक जगह पे रखा जा रहा है, यानी कि जो एक ही साइज के पान होंगे उन्हें एक जगह पे रखे जाएंगे। छोटा बड़ा होगा तो उसे अलग से यहाँ पे निकाल दिया जाता है। एक ही साइज के पान को यहाँ पे पहले इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद जो है इसके बंडल वगैरह बनाए जाएंगे। तो बंडल भी किस प्रकार से बनाते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए कि पान की छटाई यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे की जाती है, जो कि एक ही साइज के पान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पान के पूरे ढेर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि पत्ते तोड़ तोड़ के पान के यहाँ पे लाए जा रहे हैं। और ये जो अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जो पान की छटाई यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि एक ही साइज के पान को यहाँ पे वो सिलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और आप इसे यहाँ पे रखने का तरीका भी आप देख सकते हो कि पान को इस टोकरी के अंदर, या टोकरी बोलते हैं कुछ भी जो भी आप समझो, उसके अंदर यहाँ पे किस तरीके से सजा के यहाँ पे रखा जा रहा है, जो भी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी एक ही साइज के पान को यहाँ पे इसके अंदर रखा जा रहा है। तो आपने ये सब तो देख लिया, तो अब चलते हैं इसका बंडल यहाँ पे किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो जो एक ही साइज के पान को यहाँ पे छाटा गया था उन सबको यहाँ पे एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करके, तो आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इसका जो बंडल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद जो है इन बंडल को एक साथ यहाँ पे बांधा जाएगा। बांध करके मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे बांधेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे बंडल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है इस बंडल को यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो सारे पान जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और एक ही साइज़ के पान आपको इसके अंदर मिलते हैं। और अब इस बंडल को बांध के एक साइड में रख दिया जाएगा। फिर ऐसे बहुत सारे बंडल यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, उसके बाद इसे मार्केट में ले जाकर इसे बेच दिया जाएगा।
तो आपने देखा इसी प्रकार से जो है पान के बंडल तैयार किए जाते हैं। जो आप यहाँ पे पान के जो बेल वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो, जो बहुत सारे यहाँ पे जो पान की खेती वगैरह की जाती है, जो बेल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहीं से जो है इन सभी पत्ते को, जो पान के जो पत्ते हैं उनको यहाँ से तोड़ा जाता है। उस प्रकार से इनको अच्छे से साफ़ किया जाता है, पानी के अंदर अच्छे पानी में धोया जाता है। उसके बाद जो है इसके जो बंडल यानी कि जो एक साइज के जो पान है उन्हें छाँटा जाता है। फिर इन सब के जो है बंडल वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि गाइस मैंने आपको सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे बता दिए कि इस प्रकार से बंडल वगैरह बनाए जाते हैं। सब सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो आपको ये पान की खेती वाला जो ब्लॉग है ये कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।